पास वही रिकॉर्ड शो रहे हैं जो कि हमने उसको बताया था कहाँ पर, वो यहाँ हमने जो की रिव्यू में अभी आएंगे वो हम बता दें। तो एक रिकॉर्ड जो कि एम्प्लॉय का क्या था नाम, एम्प्लॉय आईडी था 103, उस रिकॉर्ड लेकर आ गया। और दूसरा जो रिकॉर्ड है, दो बाकी जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो बेसिकली इस वजह से आ रहे हैं जिन एम्प्लॉय की, वो एक हो दो हो 10 हो, जितने भी एम्प्लॉयज की जो एड्रेस है वो हैदराबाद होगी, वो सारे लेकर आएगा। तो हमने जो स्टेटमेंट लिखी थी वो यही लिखी थी कि क्या करो, सारी इंफॉर्मेशन लेकर आ जाओ एम्प्लॉय के टेबल में से, जहां पर एक तो ये कि एम्प्लॉय की आईडी ये होनी चाहिए, और दूसरी ये कि जिन एम्प्लॉय की और है, अगर एक तो 103 और दूसरा क्या कहा हमने, अगर एम्प्लॉय का एड्रेस क्या हैदराबाद है वो सारे लेकर आ जाओ। तो उसमें एक हो दो हो 20 हो, वो सारे के सारे एम्प्लॉय के क्या आएंगे, रिकॉर्ड्स लेकर आएगा। इसलिए ये दूसरा हमारे पास क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है जो ये बता देता है कि बेसिकली चाहे वो एक साइड उसकी ट्रू हो या दूसरी साइड फॉल्स हो, मीन्स ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, ये फॉल्स हो ये ट्रू हो तो भी रिकॉर्ड लेकर आएगा, अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो भी रिकॉर्ड लेकर आएगा। लेट्स सी ये कैसे हो सकता है। मैंने यहाँ पर इसको क्या किया कि बजाय इसके मैंने कहा, के जी जिसकी एड्रेस ये हो वो लेकर आ जाओ। अब आप देखें आपके पास सिर्फ रिकॉर्ड आएगा जो कि 103 से रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि शदाद कोर्ट से रिलेटेड किसी भी एम्प्लॉय की एड्रेस वो नहीं थी, तो उसने लिहाजा क्या किया उसको छोड़ दिया, बाकी 103 एग्जिस्ट कर रहा था वो लेकर आ गया। तो इसका मकसद ये क्या हुआ कि जब आप आर स्टेटमेंट यूज करते हैं और लॉजिकली यूज करते हैं तो इसकी कोई भी एक साइड ट्रू होनी चाहिए, तो ये रिकॉर्ड आपको ट्रू ला कर दे देगा। एक तो ये, अब एक और छोटा सा काम करते हैं कि क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सिर्फ हम नाम से ही लेकर आ जाएं, हम रिकॉर्ड को मुख्तलिफ वे से सर्च कर सकते हैं। फॉर सपोज मैंने कहा कि मुझे वो एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सैलरी क्या हो, लेस देन हो 6,000 से। अब इसका मकसद ये है कि हमें वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करो जिन एम्प्लॉय की सैलरी 6,000 से कम है, नॉट 6,000 इंक्लूडिंग 6,000 नहीं, वो 6,000 से भी कम होने चाहिए। इस इट मीन दैट वो सारे रिकॉर्ड जिन एम्प्लॉय की सैलरी 5,999 रुपीज है, वो सारे 6,000 इंक्लूडेड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको अगेन रन करते हैं, तो देखें आपके पास जितने भी वो एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड हैं जो कि 6,000 से कम सैलरी उठा रहे हैं वो लेकर आएगा। हमारे पास दो ही एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 6,000 से कम है, एक है अली और दूसरा है अहमद। अली की 5,000 है और इसकी 5,500। तो अगेन हमने इसे कहा कि जी अब क्या करो, अब हमें उन सारे एम्प्लॉय की रिकॉर्ड दिखाओ जिनकी सैलरी या तो 6,000 से कम है या 6,000 के बराबर है। अब मीनिंग चेंज हो गई इक्वल साइन देके, के जी वो सारे एम्प्लॉय जो इसकी सैलरी 6,000 तक है और जिनकी सैलरी 6,000 से कम है वो सारे रिकॉर्ड लेकर आ जाओ। लेट्स सी अब देखें आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है। अब आपके पास देखें तीन रिकॉर्ड आ रहा है, एक अली की, अहमद की और अलीना की, ये 6,000 है इक्वल और बाकी सब 6,000 से कम, उन सब की रिकॉर्ड ले लेकर आ गया। अगेन एसक्यूएल व्यू में जाते हैं। अब हमने कहा जी नहीं, अब क्या करो कि उन एम्प्लॉय की सैलरी लेकर आ जाओ जिनकी सैलरी 6,000 से अब है, मीन्स 6,000 इंक्लूडेड नहीं है अब 6,101 या 6,001 रुपया या 6,100, मीन्स 6,000 से अबव सैलरी होनी चाहिए वो लेकर आ जाओ। अब हम इसे रन करते हैं तो आप देखें एक ही बंदा है जिसकी सैलरी 7,000 है, बाकी कोई नहीं।
ठीक है जी। और इसको मैंने यहां से गया और एसक्यूएल व्यू में। अब हम क्या करते हैं, अगेन मैंने कहा कि इक्वल। अब इसका मकसद ये है कि एक तो 6,000 भी हो, दूसरा क्या है 6,000 से ज्यादा सैलरी वाले हैं वो भी होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ के सिलेक्ट करके रन किया। तो अब देखें, अब आपके पास दो ही रिकॉर्ड हैं, एक रिकॉर्ड जिसकी सैलरी 6,000 है और दूसरा क्या है जिसकी सैलरी 6,000 से अबव है। वो सारे रिकॉर्ड हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। देन हम यहाँ गए। अब देखिए, एक बहुत बड़ा मसला है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज आई विल सेइंग दैट आई एम्प्लॉय हु इज टेकिंग सैलरी मोर देन 6,000, लेस देन 6,000, ग्रेटर देन 6,000 और ग्रेटर देन इक्वल टू 6,000, नो। बट आई वांट टू डिफाइन द रेंज ऑफ द सैलरी दोज पर्सन आर दोज एम्प्लॉयज हु आर टेकिंग सैलरी विद इन द गिवन रेंज टू डिस्प्ले दोज एम्प्लॉय रिकॉर्ड। लेट सपोज हाउ, मैंने इसे कहा कि जी ये हटा दो, एम्प्लॉय सैलरी ग्रेटर हो पांच हजार एंड एम्प्लॉय सैलरी लेस देन हो 6,000 या 7,000 का। अब हमने रेंज बता दिया कि 500 से बड़ी सैलरी हो, नॉट इंक्लूडेड 5,000, और 7,000 से कम सैलरी हो। जैसे रन करेंगे तो आप देखें, 5,000 से बड़ी तो 5,500, और क्या है 7,000 से छोटी तो 7,000 से कम जो सैलरी है वो इस एम्प्लॉय की है। तो हमने अब रेंज बता दिया। उस रेंज में उसने क्या किया, वो सारे एम्प्लॉयज लेकर आ गया जिनकी सैलरी 5,000 से ज्यादा है और 7,000 से कम है। इसकी रेंज के दरमियान वो चाहे एक हो या 10 हो, वो सारे एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड लेकर आएगा। लेट सी, एक और काम कर लेते हैं, एक दो एम्प्लॉयज और ऐड कर लेते हैं। फाइव, फॉर सपोज हमने ये नाम ऐड कर लिया, हमने इसको 3,500 सैलरी दे दी और कराची, देन 106 वजिया, और इसको हमने 4,500 दे दिया और इसकी हमने एड्रेस बता दी ठंडोजाम, और फिर उसके बाद 107, और फिर उसके बाद गुलाम, और इसकी हमने सैलरी जो रखी वो दिस वन, और इसको हमने एड्रेस भी चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद इसे मैंने क्लोज कर दिया। अब आप देखें, अब हमारे पास जो रेंज है वो देखें, मैंने इसे कहा कि 2,000 से ज्यादा और 5,000 से कम। ठीक है जी, हम आते हैं अपने डिजाइन में और यहां से मैं इसे रन कर लेता हूँ। अब आप देखें, 2,000 से ज्यादा सैलरी है जिन एम्प्लॉयज की, वो सारे लेकर आ गया, और फिर 5,000 से कम वाली सैलरीज उन एम्प्लॉयज को, वो भी रिकॉर्ड लेकर आ गया। तो आपके पास क्या है, तीन एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड है। फिर मैंने कहा कि जी नहीं, अब ये जरूरी नहीं है कि मैं सैलरी के बिहाफ पे सर्च करूं। अब मैं कहता हूं कि जी नाम के थ्रू, वो नाम के थ्रू कैसे, मैंने कहा कि एम्प्लॉय नेम इन, के जी किसी एम्प्लॉय का नाम ये है तो वो भी लेकर आ जाए, अगर एम्प्लॉय का नाम ये है तो वो भी लेकर आ जाए, और अगर किसी एम्प्लॉय का नाम अली बाबा है वो भी लेकर आ जाए, और अगर किसी एम्प्लॉय का नाम अहमद रजा है तो वो भी लेकर आ जाए।
वन थिंग मोर इम्पोर्टेंट टू सी इन दिस स्टेटमेंट, लेट सपोज हम क्या करते हैं, जर्नल थोड़ा सा ना इसे डिस्कस कर लेते हैं। हम घर का राशन लेते हैं ना, तो एक बड़ी लिस्ट बना लेते हैं मेन्यू के, जी क्या क्या लेना है। वो पूरे मेन्यू में जो चीजें हमें मिल जाती हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू बाय देम फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द मार्केट, और जो नहीं मिलती हम उसको क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं कि ये चीजें हमें नहीं मिली। यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। हम क्या करते हैं कि हमें पूरी लिस्ट बता देते हैं कि एम्प्लॉय का नाम ये हो, इन मीन्स ये लिस्ट में से। अब अगर इस लिस्ट में से जिन जिनका नाम उस डेटाबेस में मैच करता है वो लेकर आ जाओ, जिनकी डेटाबेस में मैच नहीं करता उसको छोड़ दो। एक दूसरी बात, कीप इन माइंड, जब भी आप कोई भी ऐसी डेटा जो के टेक्स्ट है, जिसका डेटा टाइप जैसे नाम है हमने टेक्स्ट रखा था, उसको हमेशा ऑलवेज पुट इन साइड ऑफ द सिंगल कोट। क्यों? क्योंकि नाम जो है वो हमेशा सिंगल कोड में ही आता है, तब ही वो बास उसको सर्च करता है, अदरवाइज नहीं। अब हम इसे रन करते हैं तो आप देखें उसमें दो ही नाम थे जो मैच हुए पूरी लिस्ट में से, एक रहमान और दूसरा गुलाम। बाकी जितने नाम थे वो थे ही नहीं, अली बाबा वैसे नहीं था, अहमद रजा वैसे नहीं था हमारे पास। तो इन क्या करता है, बेसिकली इज अ लिस्ट to provide the list of the name or employee ID or employee salary or something else which you want to provide inside of the list, it going to match each column. If any column is match with your desired result, it will display that record. अदरवाइज वो क्या करेगा, वो नल दे देगा। और इसके अलावा अब थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, मैंने इसे हटा दिया, एम्प्लॉय और फिर एक और भी काम कर लेते हैं। एम्प्लॉय का टेबल ओपन करते हैं और इसके डिजाइन व्यू में जाते हैं, एक कॉलम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वो टेक्स्ट है, और इसको हम यहाँ से करते हैं क्लोज और सेव भी करते हैं, और उसके बाद डबल क्लिक करके लेकर आते हैं। तो देखें एम्प्लॉय, हमने कहा ये जो अली साहब है ये इंग्लिश डिपार्टमेंट का है, और ये आपके पास एजुकेशन का है, देन अलीना ये इंग्लिश, रहमान जो है ये कंप्यूटर साइंस का है, और ये आपके पास इंग्लिश, एंड देन वजिया इज बेसिकली बिलोंग टू कंप्यूटर साइंस, और ये आपके पास मैथमेटिक्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम कहते हैं कि क्या करो, कंप्लीट रिकॉर्ड लेकर आ जाओ, उसको क्या करो, ग्रुप बाय एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ग्रुपिंग करो डिपार्टमेंट वाइज कि ये कौन से एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इसको हम रन करते हैं। ओके, मैं यहां पर क्या करता हूं कि एक हमारे पास फंक्शन है काउंट, और उसमें मैंने स्टार पे, अब ये क्या करेगा, काउंट करेगा सारे वो रिकॉर्ड्स जो कि उसको ग्रुपिंग करनी है एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट से। रन करें तो देखें आपके पास क्या हो रहा है कि इस डिपार्टमेंट में दो, इसमें एक, इसमें तीन, इसमें ये। अब हमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन से डिपार्टमेंट से हैं ये, क्लियर कि कौन से डिपार्टमेंट से हैं। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट कामा, और फिर यहाँ आके वेयर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इक्वल्स टू इसको हटा देते हैं। अब देखें एम्प्लॉय डिपार्टमेंट भी आ गया के जी, कंप्यूटर साइंस जिसमें दो एम्प्लॉयज हैं, और उसके बाद एजुकेशन उसमें एक है,
इंग्लिश में तीन है और मैथमेटिक्स में एक है। अब उसने किया कि हमें डिपार्टमेंट वाइज सारे वो एम्प्लॉयज काउंट करके बता दिया कि बेसिकली किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं करंटली, एक ये बात। दूसरी बात ये, अब आते हैं उस क्यूरी की जानिब ताकि आपको बड़ी आसानी से ये चीजें समझा दूं। देखें, हमारे पास दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, एक जो है वो सिंपल फंक्शंस होते हैं। एग्रीगेट फंक्शन क्या करते हैं कि वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स पर अफेक्ट करके उसकी एक जो है रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। फॉर सपोज, अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि मुझे आप ये बताएं कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, अब आप क्या करेंगे, उस पूरी क्लास के स्टूडेंट को काउंट करेंगे, वो चाहे एक हो, 10 हो, 100 हो या 50 हो, आप उसका रिजल्ट मुझे बताएंगे कि सर इस क्लास में या हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। तो ये एग्रीगेट करके आपने मैं बता दिया। तो ये काउंट क्या है, ये आपके पास एग्रीगेट फंक्शन है जो कि यूज होता है किसी भी एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन को काउंट करने। आप ये काउंट करना चाहते हैं कि जी एम्प्लॉयज कितने हैं, आप ये काउंट करना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट कितने हैं, आप ये काउंट करना चाहते हैं कि कराची से ताल्लुक रखने वाले हमारे पास एम्प्लॉयज कितने हैं, एग्जिट्रा, ये सारे सारे यहाँ क्या होंगे आपको काउंट करके बता देगा। एक ये बात, एग्रीगेट फंक्शन में कभी भी हम कॉलम को, एक से ज्यादा कॉलम को एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सिर्फ लिखा है कि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एक ये बात। और दूसरा ये, जब आप इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं या इस तरह की सिचुएशन आ गई कि जहां पर आपको ये कहा जाए कि जी हमें, फॉर सपोज आप अपने ही इंग्लिश डिपार्टमेंट को ले लें, आपकी चेयरमैन साहिबा या डायरेक्टर साहिबा आपको ये कहती है कि जी मुझे आप ये बताएं कि हमारे पास फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर इंग्लिश के जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, और इसको क्या करो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऐसे ही 4 साल की ग्रुपिंग करके हमें बता दो कि फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर में कितने हैं, थर्ड ईयर में कितने हैं, फोर्थ ईयर में कितने हैं और मास्टर में कितने हैं। तो ये ग्रुप बाय फंक्शन क्या करता है, बेसिकली ये ग्रुपिंग करता है उस फंक्शन के बिहाफ पे जो कि आप यूज कर रहे हैं एग्रीगेट। तो ये हमें डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप बना के दे देगा कि जी ये ग्रुप फर्स्ट ईयर का ग्रुप जिसमें इतने स्टूडेंट, ये सेकंड ईयर का ग्रुप जिसमें इतने स्टूडेंट, ये थर्ड ईयर का ग्रुप जिसमें इतने स्टूडेंट, ये फोर्थ ईयर का ग्रुप जिसमें इतने स्टूडेंट। तो ये हमें यहाँ पर ग्रुपिंग करके बता देगा कि बेसिकली कितने। उसके साथ साथ आप नोट करें, मैं दोबारा इसको रन कर रहा हूँ कि हमें ये ग्रुपिंग करके दे तो रहा है, मगर आप देखें ऊपर एक टेक्स्ट लिखा आ रहा है जो कि प्रॉपरली कोई मैसेज कन्वे नहीं कर रहा। अब मुझे क्या पता है EXPR 1001 क्या है, इसको अगर हम प्रॉपर टेक्स्ट फॉर्म में लेकर आ जाएं तो हम क्या करते हैं, वो जो फंक्शन एग्रीगेट हमने यूज किया है उसके बाद एज लिख के उसको हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब हम इसे रन करते हैं तो आप देखें आपके पास वही टेक्स्ट आ रहा है जो कि आपने दिए। इसको बेसिकली कहते हैं कॉलम एलियास। एलियास वो नहीं जो कि किसी पर्सन का नाम हो, एलियास मीन्स इफ यू वांट टू चेंज द टाइटल ऑफ एनी एट्रीब्यूट, एनी फील्ड, एनी कॉलम व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली पार्ट ऑफ द टेबल। देखें ये जो कॉलम है ये हमारे टेबल का फिजिकली हिस्सा नहीं है, ये हमने लॉजिकली उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। अब जब लॉजिकली है तो वो बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई नाम दे देता है, तो हम उस नाम को चेंज करना चाहें तो ये जो नाम को चेंज करने का जो तरीकेकार है ये इस बेसिकली कहलाता है कॉलम एलियास। आई होप यू गॉट इट। देन हमने क्या करना है, यहाँ गए एसक्यूएल व्यू में, फिर मैंने क्या कहा इसे कामा देकर, सम करो एम्प्लॉय की सैलरी,
इज अ टोटल सैलरी। अब आप इसे रन करें तो आप देखें आपके पास एक और कॉलम आ जाएगी, हर उस डिपार्टमेंट वाइज उसने एम्प्लॉय की सैलरी को सम किया है। कंप्यूटर साइंस में दो है, उन दोनों की सैलरी सम होके यहाँ आ गई कि जी उनकी कितनी हुई। एजुकेशन में एक है जिसकी है उसने अलग से बता दी, और इंग्लिश में तीन है, उन तीनों एम्प्लॉयज की सैलरी को सम करके उसने हमें बता दिया है कि 14,500 रुपए हुए हैं जो कि इंग्लिश डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज वो जो है अर्न कर रहे हैं। और मैथमेटिक में एक है जिसकी ये सैलरी है, और देखें टाइटल भी चेंज हो गया। ऐसे ही मैं अगर कामा देके अब उसे कहूं कि क्या करो एवरेज निकालो किसकी एम्प्लॉय की सैलरी की, मैंने से कहा एज एवरेज सैलरी। अब रन कर लेता हूं तो आप देखें आपके पास ये एवरेज सैलरी भी लेकर आ गया कि जी इसकी दो हैं, इस 11,500 को दो में डिवाइड कर दिया तो देखें इसकी ये सैलरी बनी, ये एक है एक को एक से डिवाइड कर दिया तो ये सैलरी बनी, ये 14,500 जो हैं वो तीन एम्प्लॉयज की सैलरी है तो इसने तीन में से डिवाइड किया तो पर एम्प्लॉय की जो सैलरी बनती है या जिसने जो एवरेज निकाला है वो 4,833 रुपीज, और ये एक है तो उसकी वही सैलरी आ गई। तो ये कुछ एग्रीगेट फंक्शंस हैं जो कि क्या करते हैं वो पूरे रिकॉर्ड पे इफेक्ट रख के उसका जो रिजल्ट रिटर्न करते हैं वो एक सिंगल कॉलम में रिटर्न। देन उसके बाद मैं आया यहाँ पर और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं अभी लिख लेता हूँ इस पे सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ईएमपी। अब आप रन करके देखें कोई ऐसा कॉलम है कि हमें ये बताए कि ये काउंट है, ये एवरेज है, ये सम है, नहीं। इट मीन दैट वो जितने भी हमने कॉलम्स एक्सेस किए थे वो लॉजिकली थे, वो फिजिकली इस टेबल का हिस्सा नहीं थे। इज इट क्लियर? देन हम जाते हैं फिर दोबारा वहां पर हम लिखते हैं वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल क्या हो ये, तो रन कर लेते हैं तो आपके पास अगेन वही रिपोर्ट। अगेन हम जाते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं मैं से, इसकी जगह पे मैं लिखता हूं लाइक। इक्वल क्या करता है, वो कहता है इसके बराबर हो, और लाइक क्या करता है बेसिकली लाइक इज गोइंग टू सर्चिंग द नेम विद अ पैटर्न बेस, कि जैसे लिखा है वैसे ही वो लेकर आ जाए उसे, इसलिए हम कहते हैं लाइक जो है वो पैटर्न बेस मैच करता है। अब आप इसे रन करें तो भी देखें आपके पास वही, और फिर दोबारा आप वहां जाएं और वहां जाने के बाद अब मैं क्या करता हूं, फॉर सपोज सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ईएमपी, अब इसे रन कर लेता हूं तो आपके पास देखें वो सारे रिकॉर्ड्स हैं वो लेकर आ रहा है। अब अगर मैं ये कहूं इसे सॉर्ट और इसे रन करता हूं क्या हो रहा है, लेट सी, लेट मी चेक, ऑर्डर बाय दिस,
ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। तो आप देखें अब सारे वो क्या हो गए, ऑर्डर में आ गए किसके, डिपार्टमेंट वाइज। कि जी वो सबसे पहले सी है तो सी मीन्स कंप्यूटर, फिर सी के बाद डी नहीं है तो ई, फिर उसके बाद ऐसे करके उसने क्या कर दिया, डिपार्टमेंट वाइज उसने ऑर्डर कर दिया। और उसके बाद मैं ये चाहता हूं कि अब क्या करें, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय, मैं इसे रन कर लेता हूं। अब देखें क्या है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनका नाम क्या है से ए से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ आके वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल परसेंटेज ए देन स्टारिक, अब इसको रन करते हैं। What happened? डिज़ाइन में आते हैं, सिलेक्ट करते हैं और सिंपली वही आपके पास रिकॉर्ड लेकर आ गया। देन हम गए वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल ए देन लाइक दिस, आई डोंट नो, लेट मी चेक। मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ये कंप्लीट रिकॉर्ड लेकर आ गया। और इसको मैं करता हूँ क्लोज, यस। आई होप कि आप लोगों ने इस चीज को अच्छे तरीके से समझा होगा। और क्लास को आज यहीं तक रखते हैं एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बाकी एक चीज मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट क्लास में सेम इसी टाइम पर होगा। थोड़ा सा आप जो है ना वो क्यूरी को और ख़ास करके मैं असाइनमेंट एक दो है वो मैं अपलोड कर लूँगा गूगल क्लासरूम पर, उसको देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा कि उनमें से जितने असाइनमेंट्स आप कर सकते हैं आप कर लीजिएगा। इन केस अगर कोई नहीं हुआ तो पहले हम उन असाइनमेंट को देखेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।